अपने सेगमेंट की सबसे सस्ती गाड़ी होगी निसान मैगनाइट। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है निसान मैगनाइट के बारे में, और आपको पता होना चाहिए निसान मैगनाइट के लॉन्च से पहले। तो शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। और सबसे पहली बात जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि ये इस सेगमेंट की सबसे सस्ती गाड़ी होने वाली है। इस समय पे सबसे सस्ती गाड़ी इस सेगमेंट में जो लोअर वेरिएंट बेस वेरिएंट आता है वो आता है किया सोनेट का, लेकिन वी आर प्रीटी श्योर कि मैं निसान मैगनाइट इस सेगमेंट की सबसे सस्ती गाड़ी होने वाली है आफ्टर द लॉन्च। जो अगली सबसे यूनिक चीज़ इस गाड़ी में होने वाली है वो होने वाली है 360 कैमरा। जी हाँ, इस पूरी सेगमेंट में कोई भी गाड़ी 360 कैमरा नहीं देती है, लेकिन निसान मैगनाइट आएगी 360 कैमरा के साथ। और इस फीचर को निसान मैगनाइट में बोला जा रहा है अराउंड व्यू मॉनिटर। इसी के साथ निसान मैगनाइट एक अकेली ऐसी गाड़ी होगी जो इस सेगमेंट में CVT ट्रांसमिशन के साथ आएगी। हमारे पास डुअल क्लच ट्रांसमिशन है, AMT है, लेकिन CVT नहीं है। और सिर्फ यही गाड़ी है जिसमें CVT आएगा इस सेगमेंट के अंदर। किसी भी डीजल इंजन के साथ नहीं आएगी ये गाड़ी, सिर्फ दो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और दूसरा टर्बो इंजन के साथ। सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑफर करेगा निसान मैगनाइट, इसके अंदर कोई भी डीजल वेरिएंट नहीं आएगा, जबकि इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में डीजल इंजन ऑफर किया जाता है विटारा ब्रीजा को छोड़ के। एंड एज पर द लुक्स वी नो, इस सेगमेंट का सबसे स्लीकेस्ट हेडलैम्प आपको निसान मैगनाइट में देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत हेडलैम्प है, हमने ये इस तरीके का स्लीक हेडलैम्प पहले भी देखा है निसान किक्स में, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा स्लीक होने वाला है। और इस सेगमेंट का सबसे स्लीकेस्ट प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगला ओनली इन वन सेगमेंट फीचर है डुअल स्क्रीन सेटअप। ये डुअल स्क्रीन सेटअप के साथ आता है, एक जो इंफोटेनमेंट की स्क्रीन है वो तो आपके पास रहेगी, साथ ही ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको 7 इंच की डिस्प्ले के साथ मिलता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और आपको 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि पहला इस सेगमेंट में डुअल स्क्रीन सेटअप है। आपने और हमने सबने एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो यूज किया है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दैट इज एन वायर्ड सेटअप। तो पहली बार निसान मैगनाइट लेके आ रहा है वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो इस सेगमेंट में। इस पूरी सेगमेंट में कहीं किसी गाड़ी में भी ये फीचर नहीं है जो निसान मैगनाइट लेके आ रहा है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, एंड इट विल बी अ इंटरेस्टिंग वन टू यूज। पूरी सेगमेंट का सबसे बड़ा ग्लव बॉक्स ही ऑफर करता है, 10 लीटर कैपेसिटी का ये ग्लव बॉक्स ऑफर करता है। हालांकि टाटा नेक्सॉन का ग्लव बॉक्स भी काफी बड़ा है, लेकिन कोई कैपेसिटी नहीं दी गई है उसके साथ। सो 10 लीटर का ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, विच इज यूनिक इन दिस सेगमेंट। और इसके साथ काफी यूनिक फीचर्स जैसे कि अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस और एक टेक पैक के साथ भी आएगी, जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग और एयर प्यूरिफायर का सपोर्ट भी मिलेगा। सो यही था निसान मैगनाइट के लिए। और अगर आप 6-6.5 लाख ऑन रोड में किसी गाड़ी का टॉप मॉडल ढूंढ रहे हैं और कंफ्यूज्ड हो गए हैं टाटा टियागो और सेंट्रो के बीच में, तो मेरी ये वाली वीडियो जाके जरूर देख लीजिए, जिसमें आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपको टॉप मॉडल टाटा टियागो लेनी चाहिए या फिर सेंट्रो। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि सेंट्रो 45,000 रुपये सस्ती है टाटा टियागो के टॉप मॉडल से। तो यही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।